नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है, महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है, बेरोजगारी अपने चरम पर है, लेकिन राजनीति अपने चरम के फायदे के चरम पर है। इस आर्थिक सुस्ती के दौर में भी राजनीतिक दलों की कमाई दिन दुनी रात चौगुनी हो रही है। राजनीतिक दलों की आय में इस साल जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान देश की 25 पार्टियों की कमाई एक साल में 329 करोड़ रुपए से बढ़कर 1155 करोड़ रुपए के पार जा पहुंची है। साल भर में इसमें 251% का इजाफा हुआ है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR की ताजा रिपोर्ट के अनुसार ये आंकड़े सिर्फ 25 पार्टियों के हैं। राजनीतिक दलों के उपलब्ध आंकड़ों के विश्लेषण के मुताबिक वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान सबसे ज्यादा आय ओडिशा की क्षेत्रीय पार्टी बीजू जनता दल ने घोषित की है। दूसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस TMC और तीसरे नंबर पर तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS। इन तीनों पार्टियों की आय 630.67 करोड़ रुपए है, जो कुल पार्टियों की आय के 54% से भी ज्यादा है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान इन 25 पार्टियों के सबसे ज्यादा आय चुनावी बॉन्ड से हुई है। इसका आंकड़ा 50% से ज्यादा है। दान से इन पार्टियों को 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मिली है, जो इन दलों की कुल आय का करीब 26% है। इसके अलावा सदस्यता शुल्क वन मदों से भी पार्टियों की कमाई हुई है। 2018-19 के दौरान तीन राष्ट्रीय दलों को मिलाकर 22 पार्टियों ने अपनी आय से कम खर्च किया है। आय से कम खर्च करने के मामले में ममता बनर्जी की पार्टी TMC एक नंबर पर है। वहीं 6 पार्टियों ने अपनी आय से अधिक खर्च की जानकारी दी है। जाहिर है, आज की तारीख में सबसे मुनाफे का कारोबार राजनीति हो गया है। मंदी हो या तेजी से राजनीतिक दलों की कमाई में कोई कमी नहीं आ रही है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।